हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुरान की तिलावत की गई न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में। पिछले हफ्ते हुए टेररिस्ट अटैक के बाद पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में कुरान की तिलावत की गई। होली कुरान का सूरा रिसाइट किया गया न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में स्पीकर ने शुरुआत अस्सलामु अलैकुम पीस बी अपॉन हिम से की है। As-salam alaykum. As-salam alaykum. As-salam alaykum. कर ने न्यूजीलैंड में हुए मॉस्क में टेररिस्ट अटैक पर दुख जताया। मौलाना निजामुल हक तनवी को पार्लियामेंट में बुलाया गया था होली कुरान से सूरा रिसाइट करने के लिए और दूसरे ने सूरे का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उसके बाद मौलाना निजामुल हक तनवी ने पार्लियामेंट में होली कुरान से सूरे अल बकरा पढ़े और दूसरे ने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया। As martyrs and give them the highest position in paradise. O Lord, we ask you to give full recovery to all those who were injured. O Lord, we ask you to grant patience and hope to all the family members affected by this tragedy. न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जकिंता आर्डन ने भी अपनी स्पीच की शुरुआत अस्सलामु अलैकुम पीस बी अपॉन यू से की है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू एंड पीस बी अपॉन ऑल ऑफ अस। मिस्टर स्पीकर, द 15th ऑफ मार्च विल नाउ बी फॉरएवर अ डे इच्ड इन आवर कलेक्टिव मेमोरीज। On a quiet Friday afternoon, a man stormed into a place of peaceful worship and took away the lives of 50 people. अपनी स्पीच में उन्होंने गनमैन को फेम देने से मना किया है। चकिंदा ने कहा, I implore you, speak the names of those who were lost rather than the name of man who took them. He's a terrorist, he's a criminal, he's an extremist, but he will, when I speak, be nameless. इसका मतलब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाए हैं, उनकी नहीं जिन्होंने उनकी जान ली है। वो आदमी एक आतंकवादी है, एक क्रिमिनल है, एक एक्सट्रीमिस्ट है। जब जब मैं उसकी बात करूंगी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। जिस फेम और नाम के लिए उसने अटैक किया था मॉस्क पर, वो फेम उसे कभी नहीं मिलेगा। आगे आर्डन ने इस बात का अश्योरेंस दिया है कि टेररिस्ट को लॉ के दायरे में फुल फोर्स सज़ा मिलेगी। दरअसल मार्च 15, 2019 यानी पिछले फ्राइडे को टेररिस्ट द्वारा शूटिंग में 50 मुसलमान की डेथ हुई है। डीन्स एव मॉस्क और लिनवुड एव के अटैक में कम से कम 50 मुस्लिम्स ने अपनी जान गंवाए हैं। शूटिंग करते हुए गनमैन ने फेसबुक पर लाइव वीडियो किया था। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है पार्लियामेंट में होली कुरान रिसाइट करवा के। एक तरफ से देखा जाए तो पीस और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है उन्होंने।